आज हम बात करेंगे ग्लेज डोर के बारे में। ग्लेज डोर कहें या फुली ग्लेज डोर कहें, दोनों का जो मीनिंग है वो एक ही है। यानी इसमें जो लगे होंगे पैनल की जगह पे क्या लगे होंगे, ग्लास लगे होंगे। ठीक है, तो बनेगा सेम वैसे ही जैसे आपने पैनल डोर बनाया था। इसमें डिवीजन भी आपको उसी तरीके से करने हैं जिस तरीके से पैनल डोर में आपने जो वैल्यू ली थी। बस आपको रेंज ध्यान रखनी है कि टॉप रेल हमारी किस रेंज में रहेगी, बॉटम रेल किस रेंज में रहेगी, लॉक रेल किस रेंज में रहेगी, हेड का साइज क्या होगा। ठीक, बाकी आपके ये जो पोर्शन रहेंगे जहाँ पे आप ग्लास लगाओगे इसको आप अपने हिसाब से डिवाइड करोगे। अब डिपेंड करता है कि जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने एक साइड में 4 ग्लास लगाए हैं, तो यहाँ पर मैं 4 डिवीजन करूंगा। अगर यहाँ पे मुझे 3 ग्लास लगाने होते तो मैं 3 के डिवीजन करता। ठीक है, तो डिपेंड आपके ऊपर करता है आप जितने ग्लास इसमें लगाना चाहें, 3 4 5 उस हिसाब से आप नॉर्मली 3 और 4 ये हमारा थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। जितने भी हम डोर बनाएंगे उसमें 3 या 4, ठीक है, 5 करेंगे तो वो थोड़ा और ज्यादा ऑड हो जाता है। ठीक है, उसमें बहुत छोटे छोटे ग्लास हो जाते हैं, और 2 करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे। तो आपका 3 और 4 का नॉर्मल रहता है, तो इससे जो है वेरिएशन नहीं करना है आपको। तो बात कर लेते हैं डोर का साइज हमारा वही है जैसे हमारा पैनल डोर में था, 1.2 मीटर बाई 2.1 मीटर का लिख लेते हैं अगर लिखना चाहे तो। ये हमारा क्या है, ग्लेज डोर है। ठीक है, डोर का साइज 1.2 मीटर बाई 2.1 मीटर का। अब देखिए यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना है, आप डिवीजन कर लीजिए। आपने मान लीजिए मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम ग्लास लगाते हैं तो ग्लास के बीच में जब हम पट्टी छोड़ेंगे, जो रेल छोड़ेंगे उसको बोलते हैं हम सेस बार। ठीक है, ग्लास को फिक्स करने के लिए हम ग्लास को लकड़ी में फिक्स करते हैं, तो जो लकड़ी वहां पे इस्तेमाल की जाती है, जो गैप इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं हम सेस बार। तो सेस बार जो है हमारा नॉर्मली 4 सेंटीमीटर का रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, ऊपर तो आप टॉप रेल छोड़ दोगे, ठीक, ऊपर वाली ये रहेगी आपकी टॉप रेल, ये हो गया आपका हेड। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे एक गिलास लगा हुआ है, ये वाला गिलास लगा हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे, सेस बार। ठीक है, ऐसे ही ये वाला गिलास लगा, ये वाला गिलास लगा, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, सेस बार। बीच में आपकी लॉक रेल लगेगी जहां पे आपका ताला लगेगा, नीचे आपका बॉटम वाला गिलास का पैनल हो जाएगा, नीचे आपकी बॉटम रेल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये हेड हमारा कितना है, 8 का, ये फिक्स है, हेड हो गया। टॉप रेल हमने छोड़ दी 15 की। ठीक, इसके बाद में आ जाते हैं हम लॉक रेल पर, ये जो ताला लगाएंगे ये हमने छोड़ दी 20 की। ठीक है, बॉटम रेल 15 की छोड़ दी हमने। ठीक है, बॉटम रेल 15 की, लॉक रेल हमारी। अब देखिए जब आप 4 ग्लास लगाओगे तो नीचे बॉटम रेल रह जाएगी, लॉक रेल रह जाएगी और ऊपर टॉप रेल रह जाएगी। ठीक, तो बचे कितने ग्लास, 1 2 3। अब इस 3 ग्लास के बीच में हमारी कितनी पट्टी आएंगी, 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर नंबर ले लिया 2। ठीक है, और सेस बार की जो चौड़ाई लेंगे हम वो कितनी होती है हमारी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 × 2 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या हो गई, सेस बार। तो इतना पोर्शन हमारा, ये तो हमारा फिक्स है, फिक्स को हमने क्या कर लिया, टोटल कर लिया, ये आ गया हमारा 66 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से लेकर के यहां तक की जो हमारी पैनल की ऊंचाई, इसकी डोर की जो ऊंचाई है वो है हमारी 210 सेंटीमीटर। कितनी है, 210 सेंटीमीटर। अब 210 में से आपको क्या करना है, 66 माइनस कर देता है, -66, तो ये आएगा आपका 441, 144 सेंटीमीटर आपका आ रहा है। तो अब ये 144 सेंटीमीटर किस किस के लिए हो गया, इस वाले ग्लास के लिए, इस वाले ग्लास के लिए, इस वाले ग्लास के लिए और इस वाले ग्लास के लिए, 4 ग्लास के लिए हो गया। ठीक, और अब आप देखिए ये जो हमारी नीचे वाली बॉटम रेल है वो कितने की है, 15 की। लॉक रेल हमारी कितने पे लगी रहती है, 75 से 85 के बीच में। अब हमें इसमें क्या करके आपको ध्यान देना है कि गिलास वाले केस में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉक रेल को नीचा रख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली 60, 60 से कम ऊंचाई पर नहीं रखेंगे,
गिलास वाली कंडीशन में जहां भी हम गिलास के पैनल बनाए, गिलास के डोर बनाएंगे, वहां पे जो लॉक रेल की ऊंचाई रखी जाती है कम से कम 60 सेंटीमीटर रखी जाती है गिलास की कंडीशन में, ठीक है। तो कम से कम 60 की कंडीशन को पूरा करने के लिए हमें नीचे वाला गिलास कितनी ऊंचाई में लगाना पड़ेगा, 15 तो हमारे पास में है ही है, और हमें लॉक रेल कहाँ पे लानी है, 60 के लेवल पे लानी है फर्श से, तो ये कितने का हो जाएगा, 45 का, कितने का हो गया, 45 का, ठीक है। अब देखिए 144 में माइनस के 45 कितना बचा हमारा, 99, ये हमारा हो गया बॉटम गिलास, ठीक है। ये तो हमारा नीचे वाला गिलास हो गया। अब हमारे कितने गिलास बचे, 1 2 3, ठीक है, 3 गिलास बचे। तो हमने क्या किया, 99 में हमको क्या करना है, 3 गिलास बनाने हैं, तो हमने 3 से इसको डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 1 गिलास 33 सेंटीमीटर। तो ये वाला ग्लास कितने का हो जाएगा, 33 का, ये भी कितने का हो जाएगा, 33 का, ये भी कितने का हो जाएगा, 33 का। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है। अगर आप चाहें तो लॉक रेल से ऊपर आप 2 गिलास भी ले सकते हैं, यहां पे हमने कितने लिए, 1 2 3, ठीक है, लॉक रेल से ऊपर, तो आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको फिर यहाँ पे डिवीजन भी करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, बुक में आपकी में 4 गिलास दे रखे हैं यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, तो आप बुक के अकॉर्डिंग चलिए, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, वो भी सही है, ठीक। अब जो ग्लास का सिंबल होता है वो कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, देखो ये वाला कॉर्नर हो गया, ये वाला कॉर्नर हो गया, इसकी सीध में आपको लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन पूरी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, ये आपकी लाइन होगी 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है। अब क्या करना है, इससे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, सॉरी 2 2 mm की दूरी पर आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन इस वाली से छोटी, ऐसे ही राइट साइड में। ये बन गया आपका ग्लास का सिंबल, ठीक है। अब हर एक में आप क्या कर दोगे, इसी टाइप के सिंबल बना दोगे, बस यहाँ पे ध्यान देना है कि ये लाइनें आपकी 45 डिग्री एंगल पर होनी चाहिए, ये सारी लाइनें आपकी कितनी होनी चाहिए, 45 डिग्री एंगल पर होनी चाहिए, ठीक। अब बनाते हैं इसका प्लान। प्लान बनाने के लिए देखो हमारे पूरे उसमें डोर में ग्लास ही ग्लास लगे हुए हैं, तो सीधा सीधा काट दीजिए आप, ऐसे करें काट दिया हमने इस डायरेक्शन में, मान लिया इसको ए ए एक, आप इस तरीके से काट दीजिए वर्टिकल, ये हो गया हमारा डी एंड बी, ठीक है। यहां पर देखिए ये जो हमारा तीर का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो पोर्शन है तीर से ऊपर ऊपर का, इसको आपने काट करके बाहर निकाल दिया, ठीक। बेचा फिर आपके पास में कौन सा पोर्शन बचेगा, ये वाला, इतना पोर्शन बचेगा, ये नीचे नीचे वाला पोर्शन बचेगा। अब इसको क्या करना है, आपको ऊपर से देखना है, और ऊपर से देखने पर जैसा दिखाई देता है वैसा आपको प्लान में बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला आपने क्या किया, ये जो तीर का निशान है इतना पोर्शन आपने काट के बाहर निकाल दिया, आपके पास में इतना पोर्शन बचा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जो आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको साइड में बनाना है। तो प्लान की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला पोर्शन क्या कट रहा है, हमें जो पोर्शन कट रहा है उसी का सिंबल बनाना है। यहाँ पे हमारा क्या कट रहा है, जैसे हमने पैनल डोर में बनाया था, यहाँ पे पोस्ट कट रहा है, पोस्ट का सिंबल बना दिया हमने। हाँ एक चीज और, यहाँ पे जो हम प्लान बनाएंगे 30 सेंटीमीटर की हमारी दीवार हो गई, हमें क्या करना है, जो चौखट लगानी है वो फ्रंट से, दीवार के फ्रंट से 5 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद लगानी है। तो आपने 5 सेंटीमीटर यहाँ से छोड़ दिया, इसके बाद जो चौखट है हमारी 8x12 की है, चौखट कितने की होती है हमारी, 8x12 की, ठीक है। तो इसमें हमें 8 दिखाई दे रहा है ये वाला, तो साइड, इस साइड में कितना होगा, 12, तो 12 का ये हो गया, 8 का हमारा ये हो गया, ऐसे सेम साइड उधर कर देंगे। फिर 12 के बाद में आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे जैसे आपने पहला डोर में ड्रॉ किया था, ठीक, सेम कंडीशन में। अब मान लीजिए हमारी जो पैनल की मोटाई है वो है 2.5 सेंटीमीटर, जैसे टॉप रेल दे रखी है आपकी 15x2.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो 2.5 सेंटीमीटर क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक पैनल की मोटाई, आप सेम सिंबल वही बना दीजिए आप,
यहाँ पे आपका पोस्ट कट रहा है, पोस्ट का सिंबल बना दोगे आप। पोस्ट का आपको किस तरीके से बनाना है, इस तरीके से यू टाइप में, ठीक। ऐसे यहाँ पर भी पोस्ट का सिंबल बना दोगे आप यू टाइप में। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या कट रहा है, ग्लास। तो आपने क्या किया, यहाँ से लेकर के ग्लास हमारा कहाँ तक है, यहाँ तक। तो इसके बीच में क्या करना है आपको, इस तरीके से बीच में एक मोटी लाइन खींच देनी है, ठीक है। बीच में आप एक मोटी लाइन खींच देंगे तो वो ग्लास का सिंबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या कट रहा है, मीटिंग स्टाइल। तो मीटिंग स्टाइल के लिए हम लोग क्या करते थे, ऐसे सिंबल बनाते थे, इस साइड में ऐसे, इस साइड में ऐसे, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या कटेगा हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर ग्लास कट रहा है। फिर आपने ग्लास का सिंबल बना दिया, कहाँ तक है आपका, यहाँ तक। तो इसको क्या कर दिया आपने, मोटा कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा प्लान। इसी साइड से आपको क्या करना है, साइड एलिवेशन, इतना पोर्शन काटने के बाद में क्या दिखेगा वो बनाना है, ठीक है। तो देखिए चौखट से ऊपर हमारा लिंटल पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, चौखट से ऊपर लिंटल है। अब लिंटल की जो आप मोटाई रखना चाहो, कम से कम कितनी रखनी है आपको, 10 सेंटीमीटर। वैसे 15 सेंटीमीटर का नॉर्मली रखते हैं, लेकिन 10 सेंटीमीटर से आपका कम नहीं होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। यह हमारा RCC लिंटल, ठीक है। ये RCC का लिंटल है 10 सेंटीमीटर का। उसके बाद में आपने क्या किया, 30 सेंटीमीटर की आपकी चौड़ी थी दीवार, तो जितनी चौड़ी दीवार होगी उतनी चौड़ाई में हमारा लिंटल पड़ेगा। यानी लिंटल जो डालोगे आप दीवार के ऊपर डालोगे, तो जितनी चौड़ी दीवार है उतना चौड़ा हमारा लिंटल होगा। तो 30 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार है, तो 30 सेंटीमीटर चौड़ा हमारा लिंटल होगा। तो 30 सेंटीमीटर चौड़ा हमारा लिंटल है। अब लिंटल के ऊपर भी आपकी दीवार की चिनाई की जाती है, तो हमने ऊपर दीवार की चिनाई दिखा दी और यहाँ पे ब्रेक लाइन दिखा दी कि आपकी दीवार इसके ऊपर अभी और है। अब देखिए जब आप इसको साइड से देखोगे, तो यहाँ देखिए अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से इस तरीके से देखें सेक्शन काटने के बाद में इस साइड में, तो देखिए इधर से देखोगे तो दीवार का ये वाला किनारा दिखेगा। तो आपने क्या किया, दीवार का ये वाला किनारा बना दिया आपने, सीधी लाइन ये वाली आ रही है, ठीक। फिर ये वाला किनारा यहाँ से देखोगे, दीवार का ये वाला किनारा दिखेगा, तो आपने दीवार की ये वाली किनारी बना दी है, ठीक है। अब देखिए यहां से देखने पर फिर क्या दिख रहा है आपको, ये वाला पैनल दिखेगा, पैनल की ये वाली लाइन, तो आपने क्या किया, पैनल की ये वाली लाइन बना दी है, ठीक है। अब देखिए पैनल की ये वाली लाइन भी दिखेगी आपको, तो आपने क्या किया, पैनल की ये वाली लाइन भी आप बना दी आपने, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहां से देखने पर आपको क्या दिखेगा, ये वाला पोर्शन और दिखेगा, ठीक है। जब आप साइड से देखोगे तो ये वाला किनारा, चौखट का ये वाला किनारा भी आपको दिखेगा। तो आपने क्या किया, चौखट का ये वाला किनारा था वो भी आपने ड्रॉ नीचे की तरफ कर दिया, ठीक है। अब जैसे आपने पैनल डोर में बनाया था, नीचे आपका DPC होगा, ये जो आपकी चौखट है किसमें रहेगी, फर्श में, ठीक है। तो जहां पे दीवार है वहां पे होगा DPC, ठीक है। और DPC किस पे होगा, दीवार पे। तो आपने दीवार का सिंबल बना दिया, दीवार की चौड़ाई आपकी 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप फर्श बना दोगे। जितनी मोटाई आपकी DPC की होती है, DPC हमारा कितना, 2.5 सेंटीमीटर मोटा। तो 2.5 सेंटीमीटर का आपका क्या हो जाएगा, कंक्रीट का फर्श। DPC के नीचे, इसके फर्श के नीचे क्या पड़ा रहता है हमारा, 7.5 सेंटीमीटर की लाइम कंक्रीट, जिसको हम शॉर्ट में LC भी लिख देते हैं, ठीक है। इसके नीचे आपकी सैंड फिलिंग होगी या अर्थ फिलिंग होगी। तो इस तरीके से अब देखिए जो पोर्शन आपका बनना है साइड में वैसे बनाते जाइए। ये हेड कट रहा है, तो आपने हेड का सिंबल बना दिया, ठीक। इसके बाद में ये आपकी टॉप रेल कट रही है, तो आपने टॉप रेल का सिंबल बना दिया इसमें। अब देखते रहिए यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे लेवल लगा लोगे इस तरीके से। ये आपकी टॉप रेल कट रही है, तो आपने इस तरीके से टॉप रेल का सिंबल बना दिया। यहाँ से यहाँ तक आपका ग्लास का सिंबल कट रहा है, तो यहाँ से बिल्कुल आपको क्या लाना है, इस लाइन को आपको बीच में मोटा कर देना है। तो आपके ग्लास का सिंबल, अब देखिए यहाँ पे बीच में क्या हमारी सेस बार, अब बीच में क्या कट रही है, ग्लास के बाद में क्या कट रही है, सेस बार। तो सेस बार के लिए आपको क्या करना है, यहां पर इस तरीके का देखिए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एक सिंबल बना देना है आपको, ठीक है। इस टाइप से आप सिंबल बना दोगे तो वो भी चल जाएगा सेस बार के लिए, ठीक है। इसके बाद में आपका फिर क्या कट रहा है, फिर ग्लास कट रहा है यहां से यहां तक का।
तो आपने फिर ग्लास का सिंबल बना दिया, फिर आपकी सेस बार कटेगी, फिर आपने सेस बार का सिंबल बना दिया, ठीक है, फिर आपका ग्लास कटेगा, ग्लास का सिंबल बना दिया आपने, फिर आपकी लॉक रेल कटेगी तो लॉक रेल का आपने इस तरीके का सिंबल बना दिया, फिर आपका ग्लास कटेगा, फिर ग्लास का सिंबल बना दिया आपने, फिर आपकी बॉटम रेल है तो बॉटम रेल का आपने सिंबल बना दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका प्लान हो गया, इसको बोलेंगे, अगर कोई भी चीज काट के बनाई है तो उसके आगे हम लगा देंगे सेक्शनल। तो ये हमारा प्लान है, प्लान कब बनाया है, काटने के बाद, तो उसको बोलेंगे हम सेक्शनल प्लान, सेक्शनल प्लान, ठीक है। ये हमने क्या बनाया है, साइड एलिवेशन, आप साइड से देख रहे हो ना, तो क्या हो गया, साइड एलिवेशन, लेकिन काटने के बाद में बनाया है तो क्या बोलेंगे, सेक्शनल साइड एलिवेशन। तो ये क्या हो गया आपका, सेक्शनल साइड एलिवेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या बना लोगे, ये ग्लेज डोर बना लोगे। नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए अपलोड करूंगा वो होगी आपकी पार्टली ग्लेज्ड एंड पार्टली पैनल, तो उसमें शीशा भी लगा होगा और पैनल भी लगा होगा। थैंक यू।